दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका भी भाजपा के कैबिनेट मंत्रियों को निभानी पड़ रही है। एक सरपंच पति की हत्या के आरोपी रेंजर के खिलाफ मामला दर्ज कराने को लेकर शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री ने धरने पर बैठकर विपक्ष की भूमिका अदा की। लगता है कमलनाथ के रहते कांग्रेस रसातल में अपने आप चली जाएगी। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सड़क में धरने पर बैठे। सागर जिले के गांव में सरपंच पति की मौत पर हंगामा मच गया। परिजनों का आरोप है कि सरपंच पति को वन विभाग के रेंजर ने मारा है। रेंजर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करने को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों ने चकाजाम कर दिया। तभी कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव भी आकर लोगों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। आप पुलिस भेज के अभी अरेस्ट करवाओ और नहीं तो मैं यहीं पे बैठता हूँ और गांव के लोगों से यहाँ लोग जुटते हैं। एडिशनल एसपी साहब भी खड़े हैं पीछे। और मंत्री गोपाल भार्गव ने पुलिस अधीक्षक से रेंजर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। ग्राम पंचायत दिदोनिया के सरपंच पति मणिराज आदिवासी की मौत हो गई। इस संदिग्ध मौत को लेकर पूरे सागर जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा मच गया है कि आखिर कैबिनेट मंत्री को धरने पर क्यों बैठना पड़ा। मंत्री तो सीधे एसपी से भी तो बात कर सकते थे, और वह सरकार है और वह पुलिस अधीक्षक से बात करके रेंजर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करा सकते थे, लेकिन वह धरने पर ही क्यों बैठे।